Once again, my precious friend, I greet you in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ in this Bible study. मैं आप सभी का स्वागत प्रभु यीशु मसीह के मधु मुबारक नाम में होकर आज की बाइबल स्टडी के अंदर करता हूँ। जैसा कि हम निरंतर सैटरडे के अंदर बाइबल स्टडी में हम जुड़े हुए हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को हमने लिया, और पिछली बार हमने ख़त्म किया था पवित्र आत्मा के फल कि हम कैसे अपने जीवन के अंदर उसको ला सकते हैं। मगर आज जब हम बात करेंगे विजडम के बारे में, बुद्धि के बारे में, और आज का जो मैंने बाइबल स्टडी का जो टॉपिक लिया है वो लिया है पहला कुरंथियों उसका पहला अध्याय 24 से लेकर 31 वचन तक। फॉर टुडेज बाइबल स्टडी इस टॉपिक हैज़ बीन टेकन फ्रॉम फर्स्ट कुरंथियंस चैप्टर 1 वर्सेस बिगनिंग फ्रॉम 24 to 31। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जो बुलाए हुए हैं क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों को ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उन सभी को चुन लिया है कि जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभु पे घमंड करे। और यहाँ पर फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 1:24-31 इंग्लिश में भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। बट टू दोज हुम गॉड हैज कॉल्ड बोथ ज्यूज एंड ग्रीक, क्राइस्ट द पावर ऑफ गॉड द विजडम ऑफ गॉड, फॉर द फुलिशनेस ऑफ गॉड इज वाइजर देन ह्यूमन विजडम, एंड द विकेडनेस ऑफ And the weakness of God is stronger than human strength. Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before him. It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness and redemption. Therefore, as it is written, let the one who boasts in the Lord. This is the holiest word of God, and may God bless us by hearing and reading his holy words. Amen. Begin our today's Bible study with a word of prayer. आइए हम दुआ मांगें। For today's Bible study may acceptable unto you, O Lord, and be with us and send your spirit of comprehension to us, so we may comprehend your words and we may apply in our lives, and you may glorify through our lives, Lord. I commit each and every one of us into your mighty hand. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन अराइजेज, वॉट इज विजडम। और आज का जो आपके सामने पार्ट पढ़ा गया उसमें मैं जो लूँगा वो मैं विषय लूँगा बुद्धि के ऊपर। विजडम क्या है और ये क्या होता है, वॉट इज विजडम एंड हाउ इट इज एप्लीकेबल इन आवर लाइव। एक डेफिनेशन है बिब्लिकल, विजडम मीन्स टू सी द थिंग्स फ्रॉम द स्पेक्टेकल्स एंड द परस्पेक्टिव ऑफ गॉड। यानी जो विजडम है उसका मतलब है कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से या परमेश्वर के पर्सपेक्टिव से हम किस चीज़ को देखते हैं। आई वॉज ट्राइंग टू सी द ओरिजिनल सिग्निफिकेंट मीनिंग ऑफ विजडम विच आई फाउंड इन दिस स्पेसिफिक वर्ड्स वेयर विजडम इज एलोबोरेटेड एंड रिलेटेड इन एंड विद गॉड, जो कि परमेश्वर के साथ संबंध को रखता है और परमेश्वर के साथ उसका एक बहुत ही गहरा रिश्ता है बुद्धि का। और यहाँ पर है द वर्स सेज, क्राइस्ट इज द नॉलेज ऑफ गॉड एंड क्राइस्ट इज कॉल्ड एज द विजडम फ्रॉम गॉड टू अस।
यहाँ पर जो मसीह है वो परमेश्वर का ज्ञान ठहरा है और वो एक परमेश्वर की ओर से बुद्धि दी गई है, यानी जो यीशु को मानता है, जो क्राइस्ट को मानता है, वो बुद्धिमान है। इफ वी रियली वॉन्ट टू नो गॉड, वी शुड हैव जीसस क्राइस्ट इन आवर लाइव्स। यदि हम यीशु को अगर हम परमेश्वर को अगर हम मानते हैं, तो सबसे पहले यीशु को हमें अपने जीवन में स्थान देना अजीजों बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पर एक चीज़ हम और देखते हैं, द डायरेक्ट विजडम, बिकॉज जीसस इज़ द डायरेक्ट विजडम ऑफ गॉड टू अस। यानी जो यीशु है जब देहधारी होकर इस संसार में आया, तो परमेश्वर ने उसको एक बुद्धि के रूप में, एक फिजिकल फॉर्म में इस दुनिया में भेजा, ताकि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन का वाइस होगा, यानी दे विल गेट द इटर्नल लाइफ इन देयर लाइव्स। व्हाई? बिकॉज जीसस वाज द विजडम ऑफ गॉड। इसलिए मैंने कहा जो विजडम है, जो बुद्धि है, वो परमेश्वर के पर्सपेक्टिव से या परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना है, और जब हम उसको अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, तो वो एप्लीकेशन है कि वी शुड इनवाइट जीसस क्राइस्ट इन आवर लाइव्स एज वेल। यानी यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करना जरूरी है। एक्चुअली फॉर मी द विजडम इज जस्ट लाइक द इंटरकनेक्शन विद गॉड इन द फॉर्म ऑफ आवर रिस्पॉन्स टू गॉड। समटाइम्स वी रिफ्यूट दिस विजडम एंड सेकुलर विजडम कैन नॉट हेल्प अस एट ऑल। यानी ये एक हमारे बीच में एक संबंध को स्थापित करती है परमेश्वर के साथ, और कभी कभी क्या है, ये हमारा एक परमेश्वर के प्रति रेस्पॉन्स है, उत्तरवादी आप कह सकते हैं, एक प्रतिक्रिया है, प्रतिउत्तर है परमेश्वर को, कि हम कैसे यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा बुद्धिमानी के साथ हम परमेश्वर को मानते हैं या परमेश्वर की विल को अपने जीवन के अंदर हम फॉलो करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम जो आत्मिक जो बुद्धि है हम उसको छोड़ देते हैं, और यहाँ पर जो संसारिक ज्ञान है यानी जो सेकुलर विजडम है वो हमारी कई मायनों में हमारी वो मदद नहीं कर सकता। नेवर एवर, कभी भी वो हमारी मदद नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर स्वयं हमारी मदद ना करे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं, फॉर इंस्टेंस, सबसे पहला अगर एग्जाम्पल लूँ तो किंग सोलोमन का लेता हूँ, है ना। किंग सोलोमन, किंग सोलोमन, ही वॉज ब्लेस्ड विद द स्पिरिचुअल विजडम एज वेल एज द सुपरनेचुरल रिल्म। आप कह सकते हैं कि जो किंग सोलोमन था यानी राजा सुलेमान, वो एक आत्मिक विजडम के साथ और संसारिक विजडम के साथ परमेश्वर ने उसको नवाजा, यानी परमेश्वर ने उसको भर दिया उसकी बुद्धि के साथ। और आप कहते हैं, हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बुद्धिमान हुआ वो कौन हुआ इस पृथ्वी के ऊपर, तो राजा सुलेमान के सबसे बड़ा एग्जाम्पल निकल कर आता है। और फिर जब यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं कि विजडम एंड नॉलेज आर बोथ आर इंटरलिंक्ड, यानी जो बुद्धि है और ज्ञान है वो दोनों आपस के अंदर जुड़े हुए हैं, यानी हैंड और हैंड काम करते हैं। इसका मतलब ये, विदाउट नॉलेज विजडम इज यूजलेस। फिर से सुनिएगा, विदाउट नॉलेज विजडम इज यूजलेस, एंड विदाउट द विजडम द नॉलेज कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। यानी बुद्धि अगर है तो आपको नॉलेज भी होना जरूरी है, और नॉलेज है तो ही तो बुद्धि है। और इसका मतलब ये भी है कि अगर आपके पास या मेरे पास ज्ञान नहीं है किसी चीज के विषय में या किसी के विषय में, तो हमारी बुद्धि यूजलेस है उसके लिए। और अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है तो हम अपने जो ज्ञान अंदर है तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों को बता सकते हैं। फिर यहाँ पर एक चीज हो, इसलिए आज का जो टॉपिक जो हम डील करेंगे वो करेंगे विजडम, यानी बुद्धि, कि वास्तव में बुद्धि कैसे काम करता है, और ये टॉपिक हमारे बाइबल स्टडी का रहेगा। और फिर इसको भी हम, जैसे कि हम पार्ट करते हुए आए हैं, इसको भी हम पार्ट करेंगे। और यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है अजीजों की निरंतर हमें हर कदम के ऊपर हमें बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है ना। वी नीड विजडम एट एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ। हर
स्टेप के ऊपर हमें बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो टॉपिक है बुद्धि, वो हम बिब्लिकली देखेंगे, बिब्लिकल दृष्टिकोण से। और दूसरी चीज है कि परमेश्वर इसके द्वारा हमसे क्या बातचीत को करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, द डेफिनेशन ऑफ विजडम इन द जुडाइसिक कॉन्टेक्स्ट एंड द मिडिल ईस्टर्न कॉन्टेक्स्ट, विच मीन्स डेफिनेशन ऑफ विजडम इन द जुडाइस्टिक मिडिल ईस्टर्न कॉन्टेक्स्ट, यानी जो जुडाइस्टिक कॉन्टेक्स्ट था, मिडिल ईस्टर्न कॉन्टेक्स्ट था, उसके अंदर विजडम को किस नाम से जाना गया। अगर हम हिब्रू के अंदर, लैंग्वेज के अंदर अगर विजडम को देखें, तो इसका मतलब है शिलोमो, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जटाया इन द सेम लैंग्वेज। और फिर जब हम देखते हैं सिमिलर, ये इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर है, पीस यानी शांति, और विच इज शालोम इन हिब्रू लैंग्वेज। और यहाँ पर जब हम कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, तो जो किंग सोलोमन था, ही वॉज द वाइसेस्ट किंग एंड अ पर्सन ड्यूरिंग हिज एरा, हम ये सब जानते हैं। हिज नेम मीनिंग इज ऑल्सो द शेम शालोम एंड शिलोमो, यानी आप कह सकते हैं कि इसका उसका मतलब था पीस यानी शांति, और एट द सेम टाइम अगर आप इंटरप्रेट और करेंगे इसको, तो उसको कह सकते हैं बुद्धिमान व्यक्ति, वाइसेस्ट मैन। फिर मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑफ प्रोवर्ब्स, इक्लेसियास्टिस एंड द सॉन्ग ऑफ सोलोमन्स है ना, वॉज रिटन बाय हिम ओनली, यानी वो इतना बुद्धिमान था, इतना अच्छा पोएट था, कि उसने बहुत सारे जो बिब्लिकल जो बुक्स हमें मिलती हैं, चाहे वो सुलेमान के गीत हो, चाहे वो नीति वचन हो, या फिर सबोपदेशक हो, वो सुलेमान राजा के द्वारा ही लिखा गया है। एंड इट कंटेन द वाइड एक्सपीरियंस्ड पोएट्रीज ऑफ सोलोमन, यानी ये बहुत ही एक्सपीरियंस यानी अनुभवी ये पोएट्रीज को अपने उसमें इनका समावेश है। जब हम देखते हैं कि वाइट कलेक्शन है ना, कि ये जो पोएट्रीज जो राजा सुलेमान ने अपने बुद्धिमान अपनी बुद्धि की ओर से लिखी, वो क्या थी है ना, कि वो क्या था, वो उसने क्यों लिखा। उसने हर चीज को अजीजों एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, ये तो विजडम है, उसने हर चीज को एक्सपीरियंस किया, और आखिरकार उसने अपने एक्सपीरियंस को अपने शब्दों में एक एक बहुत ही अच्छे डेकोरेटिव तरीके से उसने शब्दों में पिरो दिया। और जब हम इस कॉन्टेक्स्ट को भी देखते हैं, तो ये कॉन्टेक्स्ट उस समय क्या था, और आज भी ये जो कॉन्टेक्स्ट है, जो उसकी पोएट्रीज हैं राजा सुलेमान की, वो आज भी हमारे जीवन में एप्लीकेबल हैं, जो कि हमें बुद्धिमान बातों को बताती है, और बुद्धि तरीके से हमें कहती है कि तुम्हें कैसे चलना है अपनी लाइफ में। दीज ऑल आर दी एक्सपीरियंसेस ऑफ किंग सोलोमन इन हिज लाइफ। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि टाइम टू टाइम मैनी पोएट्स हैड कम एंड दे पास्ड अवे लाइक किंग सोलोमन ऑल्सो, यानी बहुत सारे जो कवि थे वो आए चले गए, मगर अभी भी राजा सुलेमान को याद किया जाता है ना। और स्कॉलरली वर्ल्ड यानी एक विद्वानिक एक संसार जो होता है, उसके अंदर सुलेमान को सबसे बड़ा विद्वान बोला जाता है। और जब हम इसकी स्टडी करते हैं, इसकी पोएट्रीज की, राजा सुलेमान की, तो बहुत सारे इंसाइट्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, बहुत सारा एक्सपीरियंस जो अभी हम झेल रहे हैं या अभी हम कर रहे हैं, वो सारा एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर जब हम आगे बात करते हैं कि जो राजा सुलेमान था, उसको ये विजडम कहाँ से मिला, फ्रॉम वेयर डिड ही गेट दिस ऑल विजडम, कहाँ से राजा सुलेमान को ये ज्ञान मिला, ये जो बुद्धि जो उसको सुलेमान को मिली, वो मिली फर्स्ट किंग चैप्टर 3:1-28 के अंदर ये लिखा हुआ है, जहाँ राजा सुलेमान परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया और बुद्धि को मांगा। तो राजा सुलेमान ने बुद्धि को मांगा, और कहां से बुद्धि उसको मिली, परमेश्वर की ओर से, विच मीन्स ही ऑलवेज क्रेडिटेड अबाउट हिज विजडम टू गॉड ओनली।
उसने हमेशा परमेश्वर को इसका सोर्स माना और परमेश्वर को उसने क्रेडिट दिया कि परमेश्वर की ओर से ही जो विजडम है वो हमारे पास आता है। और ये सारा जो एक्सपीरियंस जो सुलेमान ने गेन किया था वो सब उसके नॉलेज और उसका जितना भी एक्सपीरियंस था वो सब एक फॉर्म के अंदर हमें देखने को मिलता है, उसके सिचुएशंस, उसकी लाइफ की सिचुएशंस, उतार और चढ़ाव, एंड हाउ डिड ही हैंडल दीज ऑल सिचुएशन विद विजडम, ये भी हमें देखने को मिलता है जो आज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी एप्लीकेबल है। अजीजों, हम में से ऐसे बहुत सारे जने होते हैं जो कि दुनियावी ज्ञान को ले लेते हैं, है ना, दुनियावी ज्ञान को ले लेते हैं और हम अपने आप को बुद्धिमान समझना शुरू करते हैं, स्कॉलर समझना शुरू करते हैं, विद्वान। हम ये सोचते हैं कि जो सामने वाला है उसको कोई भी हमसे ज़्यादा बुद्धि नहीं है। तो यहाँ पर जो पॉलुस है यानी अपोस्टल पॉल, वो यहाँ पर कहते हैं कि मेरा जितना भी ज्ञान है ना, जितना भी ज्ञान है वो सब परमेश्वर की आगे बेकार है, यानी क्रूस की कथा के आगे वो सब कूड़े के समान है। तो इसका मतलब क्या, जो संसारिक ज्ञान है जो हमने संसार में लेते हुए रहते हुए हमने गेन किया वो सब परमेश्वर के आगे क्या है, एक कूड़े के समान है। तो इसका मतलब ये कि रियल ज्ञान क्या है, यीशु मसीह, जबकि परमेश्वर ने वायदा किया कि यीशु ज्ञान ठहरा है ना, और वो एक बुद्धि की तरह वो हमारे पास आया परमेश्वर की ओर से, ताकि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करें तो यीशु मसीह के द्वारा हम उस पर विश्वास करें, और यीशु मसीह का ज्ञान ही हमारे लिए काफी है। तभी यीशु कहते हैं जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। तो ज्ञान क्या है, जिसने हमने यीशु को देखा, हमने यीशु को एक्सपीरियंस किया, तो इसका मतलब ये कि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को भी हमने एक्सपीरियंस किया। और सबसे बड़ा परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स है वो है जीवन, प्रॉमिस के रूप में जो परमेश्वर ने हमें दिया। परमेश्वर ने अपने जीवन को एक वायदे के रूप में हमें दिया कि मैं तुम्हें जीवन को दूंगा, यानी हम मर चुके हैं, है ना, हम अपने पापों के कारण मर चुके थे, मगर जब यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया जब, तब हमें पता चला कि परमेश्वर है ना कितना महान है, कितना भला है, हमें परमेश्वर का ज्ञान आया और इसी कारण हमने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया और उस जीवन को भी अपने जीवन के अंदर आमंत्रित किया, जो जीवन की कसम, जो वायदा परमेश्वर ने किया था। नाउ फिर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान क्या था, है ना, परमेश्वर का ज्ञान यीशु मसीह था, यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर का ज्ञान हमें मिला। अब यहाँ पर हम रियलिटी को देखेंगे कि व्हाट इज द रियलिटीज ऑफ दिस सब्जेक्ट विजडम, यानी जो बुद्धि की जो वास्तविकताएं हैं वो बिब्लिकली क्या हैं। और आज हम उसका सिर्फ और सिर्फ पहला भाग देखेंगे, पहला पार्ट देखेंगे कि बुद्धि की जो वास्तविकता है वो क्या है। आई हैव टेकन द मोस्ट ऑफ द रियलिटीज ऑफ विजडम फ्रॉम द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स बिकॉज मैनी रियलिटीज हैज बिन गिवन टू दिस बुक ऑफ विजडम ओनली रिटन बाय सोलोमन विद द एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ। अब यहाँ पर जो पहली रियलिटी है वो है इट प्रोटेक्ट्स अस, यानी बुद्धि क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। जब हम देखते हैं नीति वचन उसका चौथा अध्याय उसके छठवें वचन के अंदर, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 एंड वर्स 6 सेज डू नॉट फॉरसेक विजडम एंड इट विल प्रोटेक्ट यू, लव हर एंड इट विल वॉच ओवर यू। बुद्धि मत त्याग, वो तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रेम कर, वो तेरा ध्यान रखेगी। हाउ डज द विजडम प्रोटेक्ट अस, यानी जो विजडम है वो हमें कैसे हमारी रक्षा करता है। समटाइम्स वी सी गॉड्स कमांड्स इन द स्क्रिप्चर एज अ रेस्ट्रिक्शन इन आवर लाइफ्स, यानी बहुत सारी चीजें हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को हम देखते हैं कि ये मत करना, वो मत करना, बहुत सारे अंकुश परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। हाउएवर गॉड सीज द बिगर पिक्चर, जबकि परमेश्वर क्या है, वो सारे रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी बड़े एक इमेज को देखता है, बड़े फ्यूचर को देखता है, जो कि अपने वायदे के अनुसार उसने आपके लिए और मेरे लिए
रख छोड़ा है. गॉड नोज व्हाट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस सिन हैज. यानी परमेश्वर ये भी जानता है कि अगर हम भटक जाते हैं हमारे राह पर से अपने निर्बुद्धिता के कारण, तो क्या होता है. परमेश्वर जानता है कि लॉन्ग टर्म उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी उसकी परिस्थितियाँ क्या हो सकती है. देखिए अजीजों, जब हम कोई पाप को करते हैं अपनी निर्बुद्धिता के कारण, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलने ही झेलने हैं. वी हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर सिंस एज वेल. और वो चाहे लॉन्ग टर्म के लिए हो चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो, बट वी हैव टू गो. हमें जाना है, हमें कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना है. और यही परमेश्वर नहीं चाहता. परमेश्वर तो हमें बर्बाद करना, हमें नाश करना नहीं चाहता, बल्कि वो बुद्धि देना चाहता है, वो हमें जीवन को देना चाहता है यीशु मसीह के रूप में. और फिर यहाँ पर एक चीज़ और है, ही डिजायर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हर्ट एंड पेन ऑफ मेकिंग अनवाइज चॉइसेस. एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है अजीजों, दैट गॉड डिजायर्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हर्ट एंड पेन ऑफ मेकिंग अनवाइज चॉइसेस. यानी परमेश्वर हमें बचाना चाहता है जब हम अपनी निर्बुद्धिता के कारण यानी ऐसी ऐसी चुनाव को ले लेते हैं अपने जीवन में जिससे कि हमें दर्द होता है, जिससे कि हम पीड़ित हो जाते हैं अपने जीवन के अंदर, जिससे कि हम सफरिंग्स को झेलते हैं अपने जीवन के अंदर. ये सब चीज़ें जो परमेश्वर है वो हमारे जीवन में लाना नहीं चाहता. और अनवाइज चॉइसेस ये होती है कि हम अपने ही कारण, अपने ही निर्बुद्धिता के कारण, अपने ही ईगोइज्म के कारण हम लोग अपने सफरिंग्स के अंदर पड़ जाते हैं. मगर वहाँ पर भी परमेश्वर वायदा करता है, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ. बट हमें विश्वास करना ज़रूरी है अजीज़ों. जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ हमारे लिए नहीं हो सकती. और जब हम विश्वास करेंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू करेगा. God loves us so much and that's why He has planned for us and He desires the very best for us. यानी परमेश्वर हमसे प्यार करता है अजीजों, और इसी कारण वो चाहता है कि हम नाश ना हो, वो हमें बचाना चाहता है. और इसलिए उसकी जो योजनाएं हैं वो हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, बहुत ही लाभकारी हैं, जो कि आगे तक चलती है हमारे साथ. हो सकता है कि हम अपनी निर्बुद्धता के कारण ऐसी चॉइस कर लें जो कि हमें गर्त में लेकर जाए, मगर मैं आपसे साफ साफ कहता हूँ, परमेश्वर की जो बुद्धि है यानी परमेश्वर की ओर से जब हम बुद्धि रिसीव करते हैं तो हमारा जीवन कभी भी अनवाइज चॉइस नहीं करता. वो वही चॉइस करता है जिसमें परमेश्वर की इच्छा पाई जाती है. हमारा चुनाव हमेशा हमेशा परमेश्वर की इच्छा पर आधारित होना चाहिए, ना कि हमारी अभिलाषाओं के ऊपर आधारित, ना कि दूसरों की अभिलाषाओं के ऊपर आधारित. As we seek the Lord and do what is right, He promises to protect us. God grants us wisdom. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फिर He gives us a treasure that is common sense, our life jacket. यानी वो एक कॉमन सेंस के रूप में एक हमें खजाना देता है जो कि हमारे जीवन में लाइफ जैकेट का काम करती है. व्हेन वी आर फेस्ड विद डेली डिसीजंस टू मेक, व्हेन वी आर फेथफुल टू हिम, ही प्रोटेक्ट्स अस. वो हर प्रकार से उस जैकेट जो होती है, जो उसने हमें बुद्धि के रूप में दिया है, एक कॉमन सेंस के रूप में दिया है, वो हमारी रक्षा करती है. फिर जब हम देखते हैं, व्हेन वी सीक हिम, He opens our eyes, our life jacket, to the schemes of Satan. और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो वो हमारी आँखों को खोल देता है. मतलब ये कि वो जो हमारी life jacket है हमें boost करती है और हमें बताती है कि जो शैतान की जो चालें हैं वो हमारे जीवन में क्या है. Because Satan is willing to destroy God's people all the time. That's why Satan traps and traps and traps. और जो शैतान है वो हमेशा फंसाता है और लोगों को वो बर्बाद कर देता है.
परमेश्वर की उपस्थिति में से बाहर खींच लेता है। वो जब होता है जब हमारी चॉइस अनवाइज होती है, जब हम निर्बुद्धिता के कारण हम ऐसा चुनाव कर लेते हैं जो कि हमारे जीवन के अंदर अच्छा नहीं है, जो कि हमारे जीवन के अंदर कारगर नहीं है, और वो हमें परमेश्वर की ओर से फेर लेती है। मगर जब परमेश्वर की बुद्धि हमारे जीवन में काम करती है, तब जैसे एक रेडार होता है वैसे ही हमारा माइंड बूस्ट करता है, और हम जितनी भी चालें हैं उन चालों से, वो हर प्रकार की चीजों से वी विल बी सेव्ड, बिकॉज गॉड इज देयर, गॉड इज देयर ऑल द टाइम विद अस। वो परमेश्वर हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहता है। फिर जब हम अगली चीज को देखते हैं, गॉड गिव्स अस डिसर्नमेंट, डिसर्नमेंट दैट विल सेव अस फ्रॉम इविल पीपल हु ट्विस्ट वर्ड एंड ट्राई टू लीड अस डाउन अ क्रूकेड पाथ। ही फिल्स अस विद अंडरस्टैंडिंग, दिस इज ऑल्सो द लाइफ जैकेट, सो वी विल नो वॉट इज राइट एंड जस्ट एंड फेयर, सो वी विल नो द राइट पाथ टू टेक। हम जानते हैं जब परमेश्वर जब हमें अपने ऐसी स्पिरिट से भर देता है, अपनी आत्मा से, जो बुद्धि की आत्मा है, जो पवित्र आत्मा की ओर से मिलती है, जो परमेश्वर की ओर से मिलती है, हम जो इस प्रकार के जो लोग होते हैं हम उनसे तो बचते ही हैं, और साथ में हम अपने मार्गों को अलग कर लेते हैं कि हम ऐसे मार्गों पे ना चलें जो कि परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है। अजीजों, जब हम स्टोरी पढ़ते हैं हनोक की, इनोक हैं, क्या था वो लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ है, ही वॉक विद गॉड इन हिज होल लाइफ, परमेश्वर के साथ वो निरंतर चला, और परमेश्वर ने क्या किया, उसको अपने साथ ले लिया। एलिया, एलिया भी परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर ने उसको साथ ले लिया। ऐसे जितने लोग थे जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, उन्होंने परमेश्वर के साथ के साथ साथ परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाया। प्रेज द लॉर्ड। अगर डाकू की हम बात करें, जो डाकू यीशु मसीह के साथ में जो लटकाया गया था, एक ने क्या किया, अनवाइज चॉइस किया, है ना, निर्बुद्धिता से उसका चुनाव था। उसने क्या बोला, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो स्वयं को बचा ले और हमें भी। दूसरा मनुष्य है, जो दूसरा डाकू है, वो कहता है क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता, ये मनुष्य जिसने तो कुछ नहीं किया, इसको तो फिर भी लटकाया गया है। तब वो कहता है, यीशु जी जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे याद रखना। उसने कहा था याद रखना, यीशु ने क्या प्रॉमिस किया, यीशु ने कहा मैं तुझे वचन देता हूं, यू विल बी इन पैराडाइज विद मी टुडे, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रेज गॉड। स्वर्ग लोक में मतलब क्या है अजीजों, स्वर्ग लोक का मतलब है द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑल द टाइम इन आवर लाइव्स, यानी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में निरंतर होनी चाहिए। अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में निरंतर नहीं है, वी कैन नॉट बी सर्वाइव्ड एट ऑल, हम नहीं सर्वाइव कर सकते, नहीं कर सकते। और अगर हमें अपने जीवन के अंदर चलना है, सर्वाइव करना है, तो परमेश्वर को पहला स्थान हमें अपने जीवन में देना है। एक ऐसी वाइस चॉइस, यानी ऐसी बुद्धिमानी का चुनाव हमें करना है जैसे इस डाकू ने करके परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में पा लिया। यहां पर एक संस्कृत में एक श्लोक है, ना चोर हर्यम ना चा राज हर्यम, ना भ्रात्र भाज्यम ना चा भारकारी, वे कृथे वर्दहाते इवा नित्यम विधे अध्यानम सर्वा धनम प्रधानम। जिसका मतलब होता है दैट विच द विजडम कैन नॉट बी स्टोलन, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्फिस्केटेड बाय रूलर्स, दैट विच नीड नॉट बी शेयर्ड अमंग सिबलिंग्स, दैट विच इज नॉट अ बर्डन एंड इट डज नॉट वे एनीथिंग, दैट विच दो इट इज यूज्ड ओनली ग्रोस एवरी डे। यहां पर यह मतलब है, ना ये किसी के द्वारा चुराया जा सकता है,
ना कोई राजा इसे हर सकता है, या ये भाइयों के बीच में बांटा नहीं जा सकता और ना किसी के साथ ये बांटा जा सकता है, और ये भारी भी नहीं होता, मगर ये क्या है, ये हमारे जीवन के उन्नति के लिए काफ़ी कारगर है। यानी बुद्धि की यहाँ पे एक डेफिनेशन संस्कृत के अंदर है, और यहाँ पर साफ साफ बुद्धि के बारे में लिखा हुआ है कि ये ना भारी है, ना चुराया जा सकता है, ना बांटा जा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ बढ़ाया जा सकता है। और बढ़ाया कैसे जा सकता है, जब तक कि हमें एक प्रॉपर नॉलेज हमारे जीवन के अंदर ना हो, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं अजीजों, और ऐसी ऐसी चॉइसेस अपने चुनाव ऐसे ऐसे अपने जीवन में कर देते हैं जो कि उनके लिए लाभकारी नहीं होता, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर देम। फिर वो काउंसलिंग के लिए जाते हैं, वो इधर उधर जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि परमेश्वर की प्रेजेंस में जब हम आ जाते हैं तो परमेश्वर हमें स्टार्ट करता है रिवील करना, हमें रास्तों को बताना जिस पे हमें चलना है। हम लोग नहीं करते, क्यों नहीं करते, हो सकता है कोई ना कोई एक घमंड का पाठ हमारे जीवन के अंदर हो, मगर मैं आपसे साफ साफ एक चीज़ को कहता हूँ कि जो विजडम है इट इज़ फ्रॉम द लॉर्ड, इट प्रोटेक्ट्स अस ऑल द टाइम। यानी जो बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से है वो हमें हमेशा हमेशा बचा के रखती है। जैसे राजा सुलेमान परमेश्वर की ओर से ब्लेस था और अपनी बुद्धि मानी जो उसमें एक गुण था, बुद्धि का जो गुण था, है ना, वो पूरे उसकी कंट्री में क्या पूरे जगत में फैला था। लोग दूर दूर से उसकी बुद्धि को देखने आया करते थे, उसके कामों को देखने आया करते थे। तो सोचिए जब परमेश्वर के मांगने पर जब सुलेमान के मांगने पर परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी, तो क्या हमारे मांगने पर परमेश्वर हमें नहीं देगा, हैं, हमारे मांगने पर हमें नहीं देगा, ये सोचने की आवश्यकता है। और ये हमें जब प्रोटेक्ट करती है तब परमेश्वर का द्वार हमारे जीवन में खुल जाता है। अजीजों, हमारे लिए बुद्धि परमेश्वर है, ज्ञान यीशु मसीह है, और बिना ज्ञान और बुद्धि के हम नहीं चल सकते अपने जीवन में, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर हमें सर्वाइव करना है, हमें अपने जीवन में चलना है, तो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है और परमेश्वर के पीछे ही हमें चलना है। अजीजों, आज का जो बाइबल स्टडी है, परमेश्वर आज के बाइबल स्टडी पर हम सबको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और आज की बाइबल स्टडी को समाप्त करें। धन्यवाद सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो कि वचन आपने हमें दिया है पिता। आज के जो वचन जो बांटा गया है, बुद्धि आपकी ओर से ही हमें मिलती है, और उस बुद्धि के पीछे हम चलने वाले हों और आपके नाम को महिमा देने वाले हों। धन्यवाद याजा यीशु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम में से हर एक जने को आपके हाथ में देते हैं इस प्रार्थना को, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मुबारक नाम में होके मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।